वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वैसे ही अब कुछ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी इन दिनों करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं रुचिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। जी हाँ, चुनाव का दौर तो चल ही रहा है, ऐसे में आला कमान भले ही लेट फैसले लेने पर आई लेकिन सतर्क हो गई। इसी के साथ सचिन पायलट भी पीछे नहीं रहे। अब कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात करने के बाद सचिन पायलट जयपुर आए और यहाँ आते ही पायलट ने अपने निवास पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और श्री माधोपुर के विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत, परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला के साथ कई नेताओं से मुलाकात की। इसे देखकर अब ये ही पता लगता है कि अब पायलट किसी पर भी भरोसा करके डिसीजन नहीं लेंगे, इसलिए खुद पर्सनली वो सभी से मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अब इसे प्रदेश की सियासत और गहलोत खेमे में भी हलचल देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक पायलट और कांग्रेस दोनों ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है कि संगठन या सरकार में उन्हें कौन सा नया पद मिलेगा। कांग्रेस हाईकमान पायलट को साथ जोड़ने रखने के लिए उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद देकर शांत कराना चाहती है। गौरतलब है कि पायलट के उठाए गए मुद्दों पर अभी तक कोई एक्शन की बात नहीं हो रही, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत इस मूड में नहीं लग रहे हैं। अब 3 जुलाई को होने वाली बैठक में ये तो होगा ही कि गहलोत अपनी तरफ से कार्रवाई का विवरण हाईकमान तक भेजेंगे या फिर हाईकमान भी उन्हें कार्रवाई के निर्देश जारी करेगा। अब सबको बस इसका इंतजार है, तो इस बात का कि पायलट को कौन से पद दिया जाएगा और आने वाले टाइम में राजनीतिक हैसियत किसकी ज़्यादा होगी। अब रही बात 3 जुलाई की बैठक की, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय बैठक होगी। इस बैठक में सीएम गहलोत दिल्ली जाएंगे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बैठक में शामिल होंगे, ये तो सोचने की बात है। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि पायलट को किस पद की जिम्मेदारी दी जाएगी और क्यों? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं और ऐसे वीडियोस के लिए लगातार देखते रहिए, जुड़े रहिए राजस्थान संवाद से। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की, अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों? कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का। याद रखिए नाम।